ओके सो वी स्टार्ट फंक्शंस। सो फंक्शन क्या है? शालिनी कुछ पता है फंक्शंस के बारे में? नो सर। सो फंक्शंस नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। सो कुछ फंक्शंस हमें बिल्ट इन मिलते हैं, जैसे हम लोग लेंथ यूज करते हैं, POW यूज़ करते हैं, पावर यूज़ करते हैं, SQL के फंक्शंस यूज़ करते हैं। सो सारे फंक्शंस कैसे होते हैं? बिल्ट इन होते हैं, मतलब हमें सिस्टम ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। ओके सो कुछ सिस्टम्स कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बनाते हैं। ओके वी डिफाइंड एज पर आवर नीड्स। सो हम लोग अपनी नीड्स के हिसाब से फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ओके सो फंक्शन एक्चुअली है क्या? सो फंक्शंस नॉर्मली वी कैन से इट्स ए सेट ऑफ और इज अ ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। किसी भी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फंक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, और वी कैन से सपोज आपके पास कोई एक लार्ज प्रॉब्लम है, जैसे सपोज हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, सो द होल प्रॉब्लम वी डिवाइड्स इंटू नंबर ऑफ फंक्शंस। ओके सो सपोज सिंपल सी बात है कि आपको सपोज कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जैसे सपोज आपका प्लानिंग है कि आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, टूर के लिए जाना है। ओके नाउ यू हैव वन टीम, आपके पास एक टीम है, सो आप टीम्स को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ओके सो डिवाइड किया कि सपोज किसी एक मेंबर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप ट्रांसपोर्ट मैनेज करेंगे। ओके फिर सेकेंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आप लंच या डिनर मैनेज करेंगे होल टाइम। ओके किसी एक को ब्रेकफास्ट मैनेज करने के लिए आपने काम दे दिया। ओके किसी एक को रूट्स के बारे में बता दिया कि भाई रूट कहाँ से क्या फॉलो करना है वो आप बताएंगे। ओके स्टे कहाँ करना है, स्टे का अरेंजमेंट कौन करेगा, आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया। सो ये क्या हो गए? सब इंडिविजुअल फंक्शंस हो गए। ओके सो द होल आपका जो टूर है वो आपने क्या किया? अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। ओके अब सारे जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। सो इन द सेम वे प्रोग्राम में भी हम लोग करते हैं कि जब कोई एक लार्ज प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, सो हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस में एज पर द नीड उसको ब्रेक कर लेते हैं, और जब भी हमें पर्टिकुलर फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है वी कॉल इट। सो फंक्शन है क्या नॉर्मली? ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग यदि किसी एक मोबाइल की बात करें, सो मोबाइल में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, किसी ऐप के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मोबाइल के अपने फंक्शंस हैं, जैसे आपको मैसेज सेंड करना है, ओके कॉल कनेक्ट करना है, कॉल डिसकनेक्ट करना है, सो सबके लिए क्या है? अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके कॉल कनेक्ट करना है सो देयर आर डिफरेंट मैसेज, आपको पर्टिकुलर कैमरा ऑन करना है, PDF ऑन करना है, व्हाट्सएप ऑन करना है, फेसबुक देखना है, सो सबके लिए क्या है? अलग अलग फंक्शंस, और वी कैन से डिफरेंट आइकन्स। सो ऑन ईच आइकन्स अलग अलग फंक्शंस क्या हैं? एसोसिएटेड हैं। आप जैसे ही पर्टिकुलर किसी फंक्शन को क्लिक करते हैं इन द सेंस आपने किसी आइकन को सपोज प्रेस किया, ठीक है, टच किया, सो उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है एंड देन वी गेट द पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके सो जस्ट इमेजिन करो कि सारे फंक्शन, सारे प्रोग्राम्स एक ही बटन पर होते हैं, देन द सिस्टम विल बी कॉम्प्लेक्स। आपका सिस्टम कैसा हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब ऐसे यूजर फ्रेंडली नहीं होता। ओके सो कॉल कनेक्ट करने के लिए अलग बटन है, कॉल डिसकनेक्ट करने के लिए अलग बटन है, अलग फंक्शनलिटीज हैं। सो कॉल कनेक्ट करना है, डिसकनेक्ट करना है, अलग अलग है। ओके सो कनेक्ट करने के लिए अलग बटन है, डिसकनेक्ट करने के लिए अलग बटन है। सो इस टाइप से क्या हुआ? आपकी जो लार्ज प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या कर दिया? अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। ओके सो ये तो हो गया नॉर्मली फंक्शंस। फंक्शन क्या है? सो वी कैन सी फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ सो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू सॉल्व, मतलब हम लोग क्यों बनाते हैं? टू सॉल्व
इंडिविजुअल प्रॉब्लम, कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, आप उसके लिए क्या बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। ओके नाउ, अब फंक्शन से रिलेटेड टू थ्री थिंग्स होती है, ठीक है। एक होता है टाइपोलॉजी, ठीक है। वन थिंग इज फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन, सो देयर आर टू थिंग्स। सो द फंक्शन कॉलिंग इज द स्टेटमेंट थ्रू विच वी कॉल ए पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, सो फंक्शन कॉलिंग क्या है, जस्ट वन स्टेटमेंट थ्रू विच फंक्शन कॉलिंग इज द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, किसके लिए, फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, जैसे नॉर्मली हमने बात की है कि मैसेज सेंड करना है या कैमरा ओपन करना है, सो वी जस्ट क्लिक ऑन द कैमरा आइकन। ओके, जैसे आपने कैमरा आइकन को क्लिक किया तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो अब कैमरा कैसे वर्क करता है, उसके पीछे का जो कोड होता है वो कहाँ पर होता है, फंक्शन डेफिनेशन में होता है। ओके, सो डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन एट द ग्रुप, और वी कैन से इट्स अ सेट विच कंटेन्स द स्टेटमेंट्स। ओके, सो सपोज आपने किसी का फंक्शन बनाया, सपोज फंक्शन बनाया कि किसी की पावर निकालनी है, सो पावर निकालने के लिए आपने जैसे फंक्शन दिया पावर, बट फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका पीछे का जो कोड है, लॉजिक है, वो कहाँ लिखेंगे, वो हम लोग लिखेंगे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। सो जो कोडिंग पार्ट होता है वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होता है। ओके, सो फंक्शन डेफिनेशन क्या है, इट्स ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। सो फंक्शन कॉलिंग हो गया, फंक्शन डेफिनेशन हो गया, एंड देन फंक्शन का नॉर्मल डेफिनेशन। ओके, तो फंक्शन क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट टू सॉल्व द इंडिविजुअल प्रॉब्लम। फंक्शन कॉलिंग होती है कि जिसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, फंक्शन डेफिनेशन होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट्स रखते हैं जिसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। अब फंक्शंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फंक्शन के पार्ट्स होते हैं स्टार्टिंग में डेफ। ओके, सिंटैक्स नॉर्मल है डेफ। ओके, डेफ आपका इसमें होगा डेफ, नेक्स्ट होगा आपका फंक्शन नेम, नेक्स्ट है आर्गुमेंट लिस्ट। ओके, फिर इसके अंदर यहाँ पर आपके स्टेटमेंट, डेफिनेशन पार्ट है। ओके, क्या है फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। ओके, इट्स अ डेफिनेशन।
दिस वन, ये आपका डेफिनेशन पार्ट है, फंक्शन डेफिनेशन। इसको कॉल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये सिंपल कॉल कॉल करना है। सो जब तक हम लोग इसको कॉल नहीं करेंगे विल नॉट एक्चुअल, सिंपल सी बात। कैमरा आपके पास है तो जब तक आप पर्टिकुलर कैमरे वाले बटन को क्लिक नहीं करेंगे तो कैमरा विल नॉट ओपन। ओके, इन द सेम केस फेसबुक का आपके पास आइकन है तो जब तक आप फेसबुक को क्लिक नहीं करेंगे फेसबुक का प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, क्या बात, अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। अब आ रही क्या? नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। अब ठीक है, क्या हो गया, एक मिनट। देखते हैं, ठीक है। सो फंक्शन डेफिनेशन द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कॉलिंग। सो कॉलिंग इज द मेन स्टेटमेंट थ्रू विच वी कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। सो कॉलिंग आपको करना है तो सिंपल आपको क्या लिखना है, फंक्शन नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट, विल नॉट यूज द डेफ वर्ड इन फंक्शन कॉल, ध्यान रखना है। डेफ में क्या यूज करना है, यदि आपने डेफ यूज किया तो क्या बन जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन। ओके, एंड देन सिंपल फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट वी कॉल इट फंक्शन कॉल। ओके, इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। सो इट्स ए फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन दोनों में डिफरेंस है। सो इन द डेफिनेशन पार्ट वी यूज डेफ वर्ड एंड देन वी यूज कॉलन, कॉलन के बाद में स्टेटमेंट्स। सो इन नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग, नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग वी यूज फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ओके, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सो इट्स ए फंक्शन कॉल। सो इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। सो सपोज हमें टू नंबर्स को प्लस करना है। ओके, सो प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। सो टू नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम। एंटर नंबर टू, ओके। सो ये नॉर्मल प्रोग्राम है, इट्स ए नॉर्मल प्रोग्राम। अब सपोज मुझे सम निकालना है, वी यूज एक्स इक्वल टू एन वन प्लस एन टू। ओके, इन द लास्ट वी प्रिंट इट दैट सम इक्वल टू व्हाट वी कॉल इट एक्स। ओके, सो इट्स ए नॉर्मल प्रोग्राम। सो इफ यू रन इट, ओके, वी रन, so enter number 1 12 and then 25, okay, we got 37. so the same अब मुझे किसके थ्रू बनाना है, फंक्शन के थ्रू बनाना है। ओके, सो व्हेन वी इंप्लीमेंट द सेम बाय यूजिंग फंक्शन, आपको सिंपल क्या पुट करना है, पुट डेफ। ओके, डेफ में लिखा सम नंबर। सो सम नंबर क्या हुआ, इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ओके, सो यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिंटेक्स में, सो आफ्टर द डेफ वी डिफाइन फंक्शन नेम। ओके, सो यहाँ पर डेफ, आफ्टर डेफ सम नंबर। ओके, नाउ देर इज नो आर्ग्यूमेंट, मतलब कैसे द फंक्शन इज विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, विदाउट आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है, सो आर्ग्यूमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ सो ऑल स्टेटमेंट्स आर इनसाइड द पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, हमने टैब लगा के इसको स्पेसिंग कर दिया है। सो नाउ ऑल स्टेटमेंट आर इनसाइड द फंक्शन सम नंबर, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, व्हाट विल द आउटपुट, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, यस। सो जब तक हम लोग कॉल नहीं करेंगे द फंक्शन विल नॉट एक्सिक्यूट,
ओके एक इस टाइप से, जैसे सपोज हमने इंस्टॉल्ड कर लिया, फेसबुक इंस्टॉल्ड कर लिया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, फेसबुक के आइकन को क्लिक करना है। जब तक हम लोग क्लिक नहीं करेंगे द फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट। सो क्लिक करना है इन द सेंस क्या हुआ, हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, सपोज आपने फेसबुक इंस्टॉल करके रखा हुआ, यू हैव द फेसबुक, बट अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसको क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब उस पर बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो बटन प्रेस करने के एक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग। ओके सो अब मैं इसको रन करता हूँ, नाउ हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हमने इसको कॉल नहीं किया। नाउ कॉल करने के लिए अब हमें क्या करना है, द नॉर्मल वी यूज सम नंबर, क्या लिखा, सम नंबर। ओके नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, सो ये आपका क्या हुआ, क्या हुआ, लेट्स से फंक्शन कॉलिंग। ओके और ये पार्ट आपका क्या है, लेट्स से फंक्शन डेफिनेशन। ओके सो फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। नाउ व्हाट वी गेट, वी गेट द सेम जो हमें पहले मिल रहा था, इंटर नंबर 1 सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाता है। सो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सो सिस्टम विल एग्जीक्यूट, ये आपका क्या है, मेन प्रोग्राम। ओके मेन कंट्रोल, इसको हम लोग बोलते हैं मेन कंट्रोल, यहाँ पर मेन। ओके सो देर आर टू फंक्शंस, और वी कैन से देर आर द टू स्कोप, ठीक है। एक स्कोप क्या होता है, फंक्शन का होता है, मतलब ये फंक्शन का स्कोप हो गया। ओके और जो बाहर स्कोप है, ये जो स्कोप है जो इस पर्टिकुलर लाइन पर हम लोग लिख रहे हैं, ये क्या होता है, सिस्टम स्कोप होता है, और वी कैन से इट्स ए मेन स्कोप। ओके सो वेन एवर द फंक्शन आपको मिलता है, डेफ से स्टार्ट, यदि कोई वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, सो सिस्टम क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है, द होल स्कोप इट्स इग्नोर। ओके सबसे पहले कहाँ पर जाता है कंट्रोल, आपका कहाँ पर जाएगा, सम नंबर। ओके सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट नंबर पर। ओके सो सम नंबर इज ए फंक्शन, तो सम नंबर क्या है, यहाँ पर है, इट्स ए सम नंबर। ओके अलग ब्लॉक है, वी कैन से इट्स ए सेपरेट ब्लॉक। सो मेन इज ए ब्लॉक, सम नंबर इज ए ब्लॉक, सो द फंक्शन इज ए ब्लॉक। ओके फंक्शन क्या, एक ब्लॉक है। सो व्हेन वी कॉल सम नंबर, नाउ द कंट्रोल ट्रांसफर टू सम नंबर, सिस्टम का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। अब कंट्रोल यहाँ पर समझना है कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ द कंट्रोल, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। सो जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर चला गया, नाउ द सिस्टम विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक ओनली, ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 1, 2, 3 प्रिंट करेगा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट अगेन द कंट्रोल रिटर्न टू दिस मेन ब्लॉक। ओके इसको समझना है तो इसको हम लोग देखते हैं, कितना क्लियर है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा द कंट्रोल ट्रांसफर टू पर्टिकुलर फंक्शन, इसके सारे प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे एंड देन कंट्रोल रिटर्न टू बैक मेन, ठीक है। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, ठीक है, स्टेटमेंट के बाद लिखा प्रिंट, ओके अब मुझे बताओ क्या स्टेटमेंट, क्या आउटपुट मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा, सालिनी, आउटपुट क्या मिलेगा, पहले हेलो मिलेगा, फिर एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, ओके वी गेट द सम एंड देन उसके बाद में क्या मिलेगा, बाय मिलेगा, ठीक है।
सो इसको लोग रन करके देखते हैं. ओके हेलो एंटर नंबर 1. ओके सो नंबर 15, एंटर नंबर 2, 20, 35 एंड देन वी गेट बाय. ठीक है अभी कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है सो अभी वाला डायग्राम फिर से याद करो क्या था. सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बिकॉज ये कहाँ पर है, मेन में. ठीक है जैसे मैंने बताया था कि आपके पास मेन एक ब्लॉक होता है. सो मेन कौन सा ब्लॉक है जो कि डायरेक्टली आपके किसी स्कोप के अंदर नहीं है. ओके सो दीज आर द मेन. ओके इट्स योर मेन ब्लॉक. सो मेन ब्लॉक में पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ. ओके सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. सो व्हेन द सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द कंट्रोल ट्रांसफर टू कौन से टास्क ब्लॉक पर चला गया, आपके फंक्शन में चला गया. इसका मतलब है कि कंट्रोल कहाँ चला गया, यहाँ चला गया. ठीक है सो अब इसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए फंक्शन 1, एंटर नंबर 2, सम किया, सम प्रिंट किया एंड देन अगेन रिटर्न द कंट्रोल टू मेन ब्लॉक. इसका पूरा काम होने के बाद में इसने क्या किया, कंट्रोल को रिटर्न किया. जब कंट्रोल मिला तब इसका अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ बाय. ठीक है इसमें डाउट है, इसमें डाउट है. ठीक है सो हेलो पहले प्रिंट होगा, फिर सम नंबर, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया. ठीक है फिर इसने अपना काम पूरा किया एंड देन अगेन कंट्रोल रिटर्न किया बैक देन अगेन बाय. ठीक है जस्ट लाइक द सिचुएशन कि जैसे सपोज कोई टीचर क्लास में है. ठीक है सो कोई टीचर क्लास ले रहा है. ठीक है इन बिटवीन यदि प्रिंसिपल का कॉल आता है. ओके तो आप क्या करेंगे, जो टीचर है वो क्लास छोड़ के कहाँ चला गया, प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया. तब तक क्लास क्या करेगी, क्लास विल बी ऑन होल्ड. ठीक है क्लास क्या होगी, ऑन होल्ड होगी. तो जब तक प्रिंसिपल का काम कंप्लीट नहीं होगा एंड देन टीचर अगेन वापस क्लास में नहीं आएगा देन यू विल नॉट मूव फर्दर. ठीक है सो जैसे ही टीचर वापस क्लास में आता है इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल अगेन कहाँ गया, क्लास में आ गया. ठीक है एंड देन उसके बाद में जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट था, नेक्स्ट जो भी वर्क है वो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. सो द सेम सिचुएशन यहाँ पर है. ठीक है फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ, प्रिंसिपल का कॉल हुआ, प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया टीचर. ओके अगेन रिटर्न आउट देन अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया. ठीक है द सेम वे. सो इसी को हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, देखते हैं. बताओ क्या आउटपुट होगा, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट. सो आउटपुट होगा फर्स्ट स्टेटमेंट हेलो. ठीक है सो द फर्स्ट सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, दिस वन. ओके नंबर 1 दिस विल एग्जीक्यूट नाउ. और नंबर 2 क्या हुआ, फंक्शन कॉल. सो व्हेन द फंक्शन कॉल
the control moves from main to function 1. Okay, now on the function 1, it will execute. I am in function 1. Okay, so on the third statement, kya execute hoga? I am in function 1. So the fourth statement is function 2. Function 2 is a calling statement. Okay, so now again control transfer to function 2. Kis par? 4 par. Okay, now on the function 2, it will execute 5. Is statement ko ye execute karega. Okay, now on 6th statement, it again call function 3. So now control again move to function 3. Okay, on the 6th statement. On 6th statement. Now in function 3, it will execute I am in function 3. Okay, 7th statement. Now all statement finished, then it return the control back to function 2. Okay, jisne bhi isko call kiya usi ko wo control return karega. Now on the 8th statement, it will execute back to function 2. Okay, function 2 complete ho gaya. Now function 2 will return control to function 1. So now it will execute as 9th statement back to function 1. ठीक है, function 1 complete हो गया. Now function 1 return the control to main. Then it will execute as a 10th statement by. ठीक है, so what we get? We get the output. Okay, function 3, function 2. Hello, I'm in function 1, I'm in function 2, I'm in function 3, back to function 2, back to function 1, and then by. Okay, this is statement, this is sequence mein particular function aap execute ho rahe hai. That pehle hello hoga. Okay, control transfer hua, yahan pe chala gaya. Ye statement execute hoga, again function 2 call kiya, control transfer hua. Function 2 पर चला गया, function 3 कॉल हुआ, function 3 पर control चला गया, function 3 के statement कॉल होंगे, again control return होगा function 2 को, फिर ये statement execute होगा, फिर इसने return किया function 1 को, function 1 execute होगा, ठीक है, function 1 इसको return करेगा, now it will execute, bye, ठीक है, so now यदि हम लोग बात करेंगे what is control, ठीक है, so control क्या है, system क्या करता है, system क्या करता है, जिस पर पर्टिकुलर कंट्रोल होता है वही पार्ट एग्जीक्यूट करता है. देखेंगे, सो सपोज मेरे यहाँ पर बहुत सारे विंडोज ओपन है, ठीक है, कैन वी वर्क ऑन ऑल विंडोज एट द सेम टाइम, क्या हम लोग सारे विंडो पर एक साथ काम कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, सो व्हेन वी मूव, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, सो व्हेन द पर्टिकुलर विंडोज गेट द कंट्रोल, इट पर्टिकुलर क्या हो रही, एक्टिवेट हो रही, दैट वी कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है, सो क्या होता है आपका सिस्टम का कंट्रोल होता है, देखिए यहां पर देखो ये आपका क्या हो रहा है, कंट्रोल मूव हो रहा है, ठीक है, या था किसे अल्टर टैब से, इफ सपोज मल्टीपल विंडोज ओपन है एंड सपोज यू वांट टू मूव द कंट्रोल फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो, वी कैन यूज अल्टर टैब. अल्टर टैब आप देखेंगे कि पर्टिकुलर जिस विंडो पर कंट्रोल स्विच हो रहा है, ठीक है, वो विंडोज क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, मतलब वी आर एबल टू वर्क ऑन दैट विंडो ओनली, सो वी कैन नॉट एक्टिवेट टू विंडोज एट द सेम टाइम, दो विंडो हम एक साथ एक्टिवेट नहीं कर सकते. ओके, सपोज हमारे पास दो वर्ड फाइल है और हम लोग दोनों पर एक साथ काम करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं. ओके, सो क्या होगा, एट ए टाइम ओनली वन विंडो विल एक्टिवेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल, एट से कंट्रोल. सो कंट्रोल यहां पर होगा, आप उस पर्टिकुलर पार्ट को सिस्टम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, बाकी सब किस में होते हैं, वेट्स फॉर देयर कंट्रोल, ठीक है. यदि आपको सपोज जीमेल पे काम करना है, वर्ड पे काम करना है, या फिर
पाइथन पे काम करना है तो मुझे कंट्रोल कहाँ पर लेके आना पड़ेगा, पाइथन पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ पर काम करना है सपोज, सो अलग अलग विंडोज, सो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा विंडो पर काम करना है। सो ऑन अ पर्टिकुलर विंडो वी गेट द कंट्रोल, ठीक है। सो जब तक सिस्टम के पास कंट्रोल नहीं होगा विल नॉट एग्जीक्यूट। सो दिस इज द कंट्रोल एक्चुअली। सो क्या होता है, कंट्रोल मूव करता है, ओके, और जैसे ही कंट्रोल मूव होता है इट विल एग्जीक्यूट। सो सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इट रिटर्न कंट्रोल बैक। जैसे इसका काम खत्म हुआ तो इसने कंट्रोल क्या किया, रिटर्न किया। अब कंट्रोल कैसे इसको पता चलता है कि फंक्शन टू को ही रिटर्न करना है, फंक्शन टू को कैसे पता चलता है कि फंक्शन वन को कंट्रोल रिटर्न करना है, कैसे पता चलता है कि किसने किसको कॉल किया। सो इट मेंटेन वन स्टैक एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करता है सिस्टम, कि जैसे ही आपका कंट्रोल आता है सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आया, मेन पर, ठीक है। हमें पता है कि मेन, तो मेन यहाँ पर नीचे रहता है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, मेन, ओके, वी कैन से इट्स ए मेन फ्रेम, ओके। फिर मेन ने किसको कॉल किया, फंक्शन वन को, तो इसके ऊपर क्या बन जाता है, वन मोर ब्लॉक बन जाता है एंड देन इट्स नेम इज फंक्शन, ओके। फंक्शन वन ने किसको कॉल किया, फंक्शन टू को कॉल किया, ओके। सो फंक्शन टू इसके ऊपर बनता है, जैसे जैसे फंक्शन ब्लॉक होंगे फंक्शन ब्लॉक्स विल बी क्रिएटेड, क्रिएट होते जाते हैं, ओके, न्यू ब्लॉक्स बनते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, स्टैक के फॉर्म। स्टैक क्या होता है, सब बोलते हैं कॉपीज का बंडल बनाते हैं इन द सेम केस, आपने क्या बना दिया, पर बंडल बना दिया। सो एक कॉपी आई, फिर उसके ऊपर आपने दूसरी कॉपी रखी, फिर थर्ड कॉपी रखी, फिर फोर्थ कॉपी रखी। सो इन द सेम केस आपके पास क्या बन रहा है, स्टैक बन रहा है। सो लास्ट में सिस्टम के पास कंट्रोल कहाँ पर होता है, सिस्टम को कैसे पता चलता है कहाँ पर कंट्रोल होता है, जो भी टॉप पर होगा द कंट्रोल उसके पास होगा, ठीक है। अब जैसे ही फंक्शन थ्री कंप्लीट होता है, ओके, फंक्शन थ्री कंप्लीट हो गया, फंक्शन थ्री का काम खत्म हो गया, सो नाउ द सिस्टम विल डिलीट दिस ब्लॉक। फंक्शन क्या कर देता है, इस ब्लॉक को डिलीट कर देता है। सो डिलीट कर देगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल किसके पास चला गया, फंक्शन टू के पास चला गया, ओके। फंक्शन टू का काम कंप्लीट हुआ, नाउ फंक्शन टू डिलीट होगा, देन ऑटोमेटिकली कंट्रोल ट्रांसफर टू फंक्शन वन। फंक्शन वन का काम कंप्लीट हुआ, देन ऑटोमेटिकली फंक्शन ट्रांसफर टू मेन लास्ट में, ओके। और जैसे ही मेन का काम कंप्लीट होता है इट विल ट्रांसफर कंट्रोल टू दी ओएस, किसको, ओएस को दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओके, इसका काम खत्म, ठीक है। सो इज द, सो कंट्रोल ऐसे मूव होता है, ओके, एंड देन इस टॉप टू बॉटम रिटर्न होता है, ओके, इट्स अ मूविंग ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। सो आज हम लोग इतने ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।